हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम। वेलकम टू राम आसवानी रिव्यू। तो दोस्तों, आज की वीडियो अंदर मैं मूवी रिव्यू करूंगा अराटो की। जी हां, जो कि एक्शन मसाले ड्रामा मलयालम फिल्म है, जिसे कल टीवी पर टेलीकास्ट किया गया था और ये मूवी अब ऑफिशियली हिंदी में यूट्यूब पर अवेलेबल है एडवाइज मीडिया के चैनल के ऊपर। तो करूंगा बात, क्या इस फिल्म में ऐसा खास कि हमें इस फिल्म को देखना चाहिए भी नहीं, और दोस्तों फिल्म देखकर मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अराटो मूवी के लीड रोल में हमें देखने को मिले हैं मोहनलाल सर, जी हाँ, जो एक सुपर डैशिंग लग रहे हैं। मतलब फिल्म की जो कहानी है ना, वो एक गजब की है। अगर आप एक्शन मसाले दीवाने फिल्म हो, यानी आप वो लवर हो जो आपको फिल्म में सुपर एक्शन थ्रिल और एक मजेदार स्टोरी देखने मिले, जहाँ पर आपको हंसी मजाक भी हो, एक प्यारी स्टोरी भी हो और आपका फेवरेट हीरो यानी मोहनलाल भी हो, तो दोस्तों ये फिल्म आप लोगों के लिए सोने पे सुहागा है। जी हाँ, एक सिंपल स्टोरी को बहुत ही शानदार तरीके से हमारे सामने पेश किया गया है। वहीं पर दोस्तों मोहनलाल सर ने एक बार वापस से प्रूफ कर दिया है, वो अपने करियर की एक से एक जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं ना, वो उन्होंने इस फिल्म के अंदर दी है। क्या एज के अंदर उनका जो लुक है ना, मतलब लगता ही नहीं है कि वो इतने एज वाइज हैं। दोस्तों स्क्रीन पर जब उनको एंट्री होती है ना, उनके जो डायलॉग्स आप सुनते हो ना, उनके जो एक्शन सीन देखते हो ना, आप दीवाने हो जाओगे सर के, मतलब गजब से भी ऊपर यार। मतलब जहाँ पर दोस्तों मैं फिल्म है ना, एक मिनट के लिए बोर नहीं करती है। लेकिन इस फिल्म को हम क्या बोलें, क्या हमें इस फिल्म को बार बार देखना चाहिए? ये वन टाइम वॉचेबल मूवी है। फिल्म में एक्शन और मसाला बहुत ही शानदार तरीके से डाला गया है। ऑडियंस को पता है कि हम मोहनलाल सर की मूवी देख रहे हैं ना, और उसके अंदर मसाला और एक्शन ना होना तो वो फिल्म बेकार बन जाती है। और वो ही डायरेक्टर को पता था कि भैया ऑडियंस को ये सब कुछ चाहिए। और दोस्तों कसम से बोलता हूँ, फिल्म देखते में ना जब एक्शन सीन देखोगे ना, आप मोहनलाल सर के दीवाने हो जाओगे। अब बात कीजिए फिल्म में क्या बेस्ट लगा क्या बुरा लगा। देखो सबसे पहली बात, ये एक डिसेंट मूवी तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे ये फिल्म सिर्फ वन टाइम वॉचेबल ही पसंद आई। आप लोगों को मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपको दूसरी फिल्म कितनी बार पसंद आएगी, लेकिन मैंने इस फिल्म को एक बार देखा तो मुझे वन टाइम वॉचेबल मूवी ही लगी। तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपने अभी तक इस फिल्म को देखा है या आप इस फिल्म को देखने के लिए जाओगे। तो दोस्तों मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।